हेलो भाइयों, ये है होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन। इसके अंदर मुझे क्या दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, जब जैसे ही फ़ैन वगैरह ऑन करता हूँ इसका तो थोड़ी सी स्मेल आ रही है। तो इस वजह से मेरे को ऐसे लग रहा है कि इसका जो एसी फिल्टर है वो या तो उसमें गंदगी फंसी हुई है, मिट्टी वगैरह फंसी हुई है, तो आज उसको साफ़ करते हैं। अगर आप भी अपनी गाड़ी का एसी फिल्टर जो है साफ़ करना चाहते हैं तो कुछ बेसिक से स्टेप हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले जो लोकेशन होती है एसी फिल्टर की, वो लगभग सभी गाड़ियों के अंदर जो है ग्लव बॉक्स के पीछे होती है। आप सबसे पहले तो ग्लव बॉक्स का सारा सामान निकाल लें, फिर यहाँ पे ऐसे कुछ करके ग्लव बॉक्स खोले जैसे आप नॉर्मली खोलते हैं। फिर यहाँ पे ये देख सकते हैं, इधर दोनों तरफ जो है लॉक्स हैं, आप इनको प्रेस करेंगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। देखिए, प्रेस करने के बाद ये जो यहाँ पे इसके जो ये प्लास्टिक है ये इसमें लगा हुआ था जिससे खुलता बंद होता है, वो भी निकल चुके हैं। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे ये छोटे छोटे लॉक्स हैं, आप इनको प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये धीरे धीरे अपने आप बाहर आ जाते हैं। देखो ये निकला है बाहर, इसको रख दो साइड में। ये रहा एसी फिल्टर भाई, पहले जो है एसी फिल्टर जो है निकल चुका है। अब आप इसको जो है कहीं पे भी ऐसे करके साफ कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे वैक्यूम क्लीनर भी मार सकते हैं। हो गया साफ। अब इसको डालना कैसे, जैसे ये था ना उसी पोजिशन में आपको डालना है। ये इस तरफ होंडा लिखा हुआ था, इसके अंदर ही आपको ऐसे कैसे डाल देना है। ये भाई जब साफ हुआ था, जब 10,000 वाली सर्विस थी इसकी, अब तो ये लगभग जो है 12,000 किलोमीटर चल चुकी है। 2,000 में ये वापस से गंदा हो गया, उन्होंने चेंज नहीं करा, ये सिर्फ जो है ना साफ करके और दोबारा डाल दिया। आपको जो है बिल्कुल ध्यान से डालना है, ऐसे कोई लॉक की भी दिक्कत नहीं कि इसमें लॉक टूट जाए, इजीली डल जाता है, इजीली निकल जाता है। ये देखो ये रहा, अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे देख के और ये डायरेक्टली लग जाएगा। करना है आपको डायरेक्टली यहाँ पे रखना है, ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा जब ये लॉक आराम से लग जाएंगे। ये देखो ये सेट हो चुका है। अब एक हाथ से थोड़ा सा करना मुश्किल है, एक हाथ में फ़ोन है एक हाथ से ही करना, लेकिन ये आराम से हो जाएगा यहाँ पे इजीली। फिर ये भाई सारा कुछ पैक हो चुका है, अब आपको जो है दोबारा से ये डाल देना है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ जो है ना, ये देख सकते हैं आपको लॉक इसमें फिट करना है। ये यहाँ पे ये एक है और एक यहाँ पे, ये आराम से फिट हो चुका था, कोई ज़्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। देखो फिट हो चुका है और ये देखो बंद हो गया। ये देखो सिंपल सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ऐसे दिक्कत आती कि भाई लॉक बहुत ज़्यादा टेक्निकली है या फिर ऐसे कुछ करने की जरूरत है, कुछ भी नहीं। आराम से आपको 2 मिनट भी नहीं लगती। ये खोला यहाँ से, ये प्रेस करके लॉक निकाले, वहाँ से फिर फिल्टर का वो निकाला, फिल्टर साफ़ करके दोबारा लगा दिया, बिल्कुल बस और कुछ भी नहीं। कुछ आप जो अपना फिल्टर साफ़ कर सकते हैं ये आपको मतलब कर देना चाहिए लगभग महीने के अंदर, क्योंकि भाई गाड़ी चलती है मिट्टी भी खींचती है जब एसी वगैरह चलता है, तो वो साफ़ करते रहना चाहिए। उसमें कोई ज़्यादा सी देर तो लगती नहीं, 2 मिनट लगे साफ़ करने में, और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ना स्मेल आने लग जाती है, वो स्मेल भी नहीं आती। तो चलो भाई इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।